सीतापुर के बिसवा में सपा बसपा गठबंधन से सीतापुर लोकसभा प्रत्याशी नकुल दुबे के बिसवा आगमन पर जोरदार ढंग से फूलमालाओं से स्वागत किया गया। गठबंधन प्रत्याशी नकुल दुबे का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं सपा प्रत्याशी बिसवा विधानसभा अफजाल कौसर के नेतृत्व में भारी हुजूम के बीच कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उन्होंने बजाज एजेंसी पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव सपा व बसपा कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ रहा है और उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर सभी वर्गों को आपसी एकजुटता दिखाकर फर्जी विकास का दावा करने वालों को चेहरा बेनकाब करके भारी मतों से विजयी बनाए। वही गठबंधन प्रत्याशी चौपान सहित मजार पर जाकर चादर चढ़ाई और पत्थर शिवाला मंदिर पर भी जाकर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव, बसपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राममूर्ति मधुकर, विधानसभा प्रभारी डॉक्टर आरपी वर्मा, डॉक्टर शत्रुघ्न सिंह, विधानसभा अध्यक्ष सुरेश भारती आदि लोग मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अतुल त्रिवेदी की रिपोर्ट, सीतापुर। नर्मद आगरा के कस्बा भद्रौली में प्राथमिक पशु चिकित्सालय का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं सरकारी विभाग इस पर कोई भी गौर नहीं दे रहा। इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि पीला ईंट से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। वह एक बोरी सीमेंट के साथ साथ 7 बोरी चंबल सेंट का भी प्रयोग किया जा रहा है। वहाँ पर मौजूद कारीगर का कहना है कि यहाँ पर ठेकेदार हमको इस हिसाब से सामान देते हैं, हम उसी हिसाब से इसमें प्रयोग करते हैं। इस समय मौजूद है कस्बा भद्रौली में, जहाँ पर पशु अस्पताल बनाया जा रहा है। इसमें घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट, आगरा। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में शेरगढ़ पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जहां पर मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि एक तरफ राजस्थान नंबर ट्रक में शराब छुपाकर ले जा रही है। मुखबिर की सूचना को संज्ञान लेते हुए SHO शेरगढ़ ने मैफोर्स पटेल चौक पर चेकिंग शुरू कर दी। वहीं सामने से आ रहे ट्रक को रुकवाया तो ट्रक में अलग अलग केबिनों से बनाया हुआ रखा अंग्रेजी शराब भारी मात्रा में पकड़ी गई, जहां पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के निर्देशन में नशाखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शेरगढ़ पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक ट्रक राजस्थान नंबर जिसमें अवैध तस्करी के लिए शराब ले जाई जा रही है। मुखबिर की सूचना का संज्ञान लेते हुए SHO शेरगढ़ आर प्रदीप कुमार ने शेरगढ़ के पटेल चौक पर चेकिंग शुरू कर दिया। तभी सामने से आ रहे एक वृद्ध को रुकवाया तो उसकी चेकिंग की गई। तो चेकिंग के दौरान ट्रक का नंबर RJ19GA7595 अलग से एक कैबिन बनाया हुआ था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश मार्ग का 180 पेटी अंग्रेजी शराब जिसकी बाजार कीमत लगभग 5 लाख रुपए की पाई गई। वही पंजाब से यूपी बिहार तस्करी के ले जाया जा रहा था। क्षेत्राधिकारी जगदीश काली रसन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया है कि शराब चुनाव में सप्लाई के लिए ले जाई जा रही थी, जिसे शेरगढ़ पुलिस ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया, जो कि एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वहीं शराब को बीरेंद्र पुत्र हुकुम सिंह निवासी गोल्डी थाना चांद हट जिला पलवर हरियाणा के द्वारा लोड कराया गया था। गिरफ्तार किए गए बबलू पुत्र गौरी शंकर शुभम बिहार तथा कनौता जिला जयपुर राजस्थान व हजारी पुत्र नाथूलाल लखेसरा थाना कनौता जिला जयपुर को बताया जा रहा है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा। पर मथुरा में भाजपा में रार थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को बलदेव में कैलाश रोड स्थित दाऊजी मैरिज होम में भाजपा का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन था। इस मंच पर बैठने के लिए कार्यकर्ता अपना आपा हुई खो बैठे। आपको बता दें कि सीनियर तरीका हिमा माली, विधायक पूरन प्रकाश व जिला अध्यक्ष नगेंद्र सिकरवार के सामने ही विधायक के पुत्र पंकज व प्रकाश हाल में रालौद में भाजपा में आए हैं। कार्यकर्ता के बीच तूतू मैमे हो गई, जहां पर हिमा माली अपना भाषण शुरू करने वाली ही थी तभी माहौल गर्मा गया। इस पर विधायक पूरन प्रकाश ने हेमा मालिनी से माइक लेकर कार्यकर्ताओं को समझाया, इसके बाद ही माहौल नियंत्रण में आ सका। इस पूरे मामले पर जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिकरवार ने बताया कि मंच पर बैठने को लेकर छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, कार्यकर्ता जोश में आ जाते हैं, वहीं कार्यकर्ताओं की संख्या भी अधिक थी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा। जनपद हरदोई के भिठौली ग्राम सभा का मामला एक बार फिर से प्रकाश में आया है, जहां पर राम प्रकाश पुत्र नंदलाल व विजय कुमार पुत्र नंदलाल की दबंगई देखे कि रातों रात दीवार बना दिया, जिससे ग्रामीणों व स्कूल का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। देखिए कि आजकल आचार संहिता चल रही है, इसके बावजूद भी बेखौफ होकर अवैध निर्माण कराकर बाउंड्री खड़ी कर दी। वही ग्राम प्रधान व जिला पंचायत नौसाद अली, डिप्टी गुप्ता, प्रधानाचार्य देवेंद्र कुमार, लेखपाल चंद्रहास व कुछ ग्रामवासियों के समक्ष यह निर्णय हुआ
हुआ था कि पहले रास्ता छोड़ दी जाए फिर बाउंड्री का निर्माण कराया जाए, यह फैसला हुआ था। इसके बाद भी वह किसी की ना सुनते हुए और अपनी दबंगई दिखाते हुए बिना रास्ता छोड़े बाउंड्री बना दी, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अजीत वर्मा की रिपोर्ट, हरदोई। बरेली जनपद के थाना अलीगंज पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की, जिसको आचार संहिता से संबंधित कोई भी चीज ना हो तो चुनाव में प्रयोग की जाने वाली सामग्री जैसे कि पोस्टर, बैनर, पैसे आदि को चेक किया गया। बैगों की तलाशी भी ली गई। वहीं पुलिस फोर्स भी काफी तैनात रहा, वहीं मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। वहीं चुनाव आचार संहिता को देखते हुए यह सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा, जिस पर सर्च बैरियर पर पिकट भी बना दिए गए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सचिन कुमार शर्मा की रिपोर्ट, मझगवां बरेली।